कोई आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे। हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और हम ऐसे आगे भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला जान पड़ता है। इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चाकुलिया के सिमुलडांगा सबर टोला निवासी अमित सबर को अब नहीं मिला अब तक आवास और जॉब कार्ड, रोजगार के लिए परिवार समेत रहते हैं बंगाल। अवैध बालू खनन पर पुलिस की कार्रवाई, बालू घाटों से 4 हाईवा को किया जब्त। चांडिल बाजार में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार माँ बेटी की हुई मौत। चौका के लखना घाटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के ADM व नोटिफाइड एरिया के पदाधिकारी पहुंचे जुबली पार्क, चलाया जागरूकता अभियान। चाकुलिया के बरतोलिया में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ संपन्न, लाभुकों के बीच हुआ परिसंपत्ति का वितरण। रेलवे पार्किंग अब नए ठेकेदारों के जिम्मे, यात्रियों की बड़ी है परेशानी, देना होगा टैक्स। समाज कल्याण विभाग ने 3,41,223 लाभुकों को पूरक पोषाहार कार्यक्रम से किया लाभान्वित। धनबाद में 3,67,313 को लगा प्रथम व 7,67,418 को लगा वैक्सीन का द्वितीय डोज। देश की आजादी व निर्माण में कांग्रेस का रहा है अहम योगदान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर छरिया नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। करीम सिटी कॉलेज के स्पार्कर ने किया फेयरवेल का आयोजन, अंकना बनर्जी मिस व सौरभ पाल बने मिस्टर स्पार्कियन। सभा शेख व जय प्रकाश के नाम रहा फेस ऑफ द डे का खिताब। सोनारी बम कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, उलीडी में अपराधी शैंकी यादव की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था हमला, 5 गिरफ्तार, देसी कट्टा, 2 कारतूस और विस्फोटक के अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद। डॉक्टर हरिबल्लभ सिंह का बयान, कहा समाज में सत्कर्म करने वाले लोगों को करें प्रोत्साहित। गढ़वा से प्रशिक्षण देने रांची आए शिक्षक की मौत, हत्या या आत्महत्या, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। टाटा स्टील फाउंडेशन ने जामाडोबा में शुरू की प्री मैट्रिक कोचिंग कक्षाएं। आज सुपाटी राज की वर्तमान सरकार के 2 साल पूरे होने पर मना रही है विश्वासघात दिवस, मुआवजे के लिए किया बरहड़वा, पाकुड़ मुख्य पथ जाम, सड़क दुर्घटना में हो गई थी महिला की मौत। भाकपा माओवादियों की टूटी कमर, पुलिस की गिरफ्त में आया खबरी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की ट्रेनें हो गई रद्द, UP से आगे पंजाब और जम्मू का सफर मुश्किल। जमशेदपुर में घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने SP के समक्ष लगाई न्याय की गुहार। पुलिस की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण छाया नगर स्थित रोटी बैंक के कार्यालय से कैंटीन में पुनः भारी मात्रा में हजारों रुपए कीमती सामान की हुई चोरी। साक्षी में पेट्रोल पंप के मालिक ने कर्मचारी पर लगाया गबन का आरोप, थाने में पुलिस ने 4 दिनों तक की बेरहमी से पिटाई। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा जमा कर लौटी जमशेदपुर महिला पुरुष की टीम का किया गया भव्य स्वागत। और बर्मा माइंस में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, धारदार हथियार से जख्म के निशान, हत्या की जताई जा रही है आशंका। तो आज के लिए बस इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।